नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, हमारे भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन के लिए केंद्र सरकार तथा रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं यानी अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, तो आप सभी के लिए ये नियम जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक महीने के अंदर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मिलने वाली सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर निरस्त हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या बड़ा आदेश यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों यानी एक सर्विसमैन के लिए जारी किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजेसेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD के द्वारा 29 अप्रैल 2019 को लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। सभी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी कमांडेंट हैं, जितने भी रीजनल सेंटर हैं उनको, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका मेन सब्जेक्ट कि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनके डिपेंडेंट जो कि एलिजिबल हैं यहाँ पर ECHS की मेम्बरशिप के लिए, उन सभी का अब आपको इनकम टैक्स प्रूफ जमा करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण और कड़ा नियम यहाँ पर लगाया गया है। ECHS का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आपके डिपेंडेंट लेना चाहते हैं, तो अब हमारे एक सर्विसमैन को अपने डिपेंडेंट यानी कि 18 साल से नीचे के जितने भी डिपेंडेंट हैं एक्सेप्ट द स्पाउस, उन सभी का आपको यहाँ पर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। और जो परफॉर्मा होगा वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि क्या परफॉर्मा आपको यहाँ पर जमा करवाना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को पता है, ECHS की मेम्बरशिप लेने के लिए कि जो हमारे डिपेंडेंट हैं ECM के, वो 18 साल से नीचे के होने चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर अगर आप कलेक्शन ऑफ कार्ड करते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगाना है। उसके साथ दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पर देनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म 26AS फॉर द लास्ट 2 financial year, मतलब कि फॉर्म 26AS की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, उसमें 2 साल के आपके फाइनेंशियल ईयर, आपके डिपेंडेंट के फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होगा, वो भी यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए इन्होंने 2 appendix बना रखे हैं, अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी, दोनों को यहाँ पर ECM ने फर्निश करना है। और इस सर्टिफिकेट को फुलफिल करके ऑनलाइन यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इन केस ऑफ अगर जो डिपेंडेंट है अब वो 18 ईयर ऑफ द एज छोड़कर हमारे स्पाउस को, उसकी जो यहाँ पर इनकम है 9000 रुपये छोड़कर DA को है, तो उसका ECHS मेंबरशिप को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब उसको आगे ECHS का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे जो कार्ड होल्डर हैं उनको यहाँ पर हर मंथ आपने जो डिटेल है वो हर मंथ यहाँ पर आगे भेजी जाएगी। उसके साथ साथ स्टेशन हेडक्वार्टर को भी इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी यहाँ पर अटैच कर रखे हैं, वो भी आपको पूरा परफॉर्मा यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भी कही है कि जो भी हमारा कार्ड है ECHS का, वो आपको 1 साल कंप्लीट होने से पहले रिन्यूअल करवाना होगा। मतलब भूतपूर्व सैनिक को अपने डिपेंडेंट का जो कार्ड है उसको 1 साल पूरा होने के कम से कम 1 महीने पहले आपको रिन्यू करवाना होगा। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो सभी जितने भी हेडक्वार्टर हैं उनको इनकी कॉपी भेज दी गई है, और सेपरेटली यहाँ पर अलग अलग अपेंडिक्स लगा रखे। सबसे पहला अपेंडिक्स ये है, टू परफॉर्म ECHS सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर द डिपेंडेंट अब 18 ईयर ऑफ द एज, मतलब 18 साल के ऊपर के जो भी डिपेंडेंट हैं उनके लिए आपको ये परफॉर्मा सबमिट करना होगा जब आप कार्ड कलेक्शन करें तो। और इसमें यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो होगी वो यहाँ पर लगानी है, और ये सर्टिफाई करना है, पूरे उनके पर्टिकुलर्स यहाँ पर देने हैं, कॉपी ऑफ 26AS देना है, और उसमें जो लास्ट असेसमेंट ईयर है उसकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके अलावा सेकेंडली आप यहाँ पर देख पा रही है अपेंडिक्स बी, इसके अंदर जो ECHS सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है फॉर डिपेंडेंट अब 18 ईयर ऑफ एज, ये आपको ऑनलाइन भरना है हर साल, और पूरा साल 1 साल ख़त्म होने से पहले, मतलब आपके कार्ड को ब्लॉक होने से पहले ही आपको ये हर साल रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन ये परफॉर्मा भेजना होगा, ताकि आप
कंटिन्यू कर सकें अपने ECHS बेनिफिट को। तो ये जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके वार्ड के लिए जो हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, मतलब अब जो जब जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अपने वार्ड का इनकम टैक्स सर्टिफाई भी करवाना होगा, इसके अलावा कार्ड को हर साल रिन्यू भी करवाना होगा। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ECHS की इस नई जानकारी का लाभ ले सकें और उन वो भी अपने कार्ड को ब्लॉक होने से बचा सकें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।